बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के एक ऐसे स्नैक्स आपके लिए लेके आए हैं जिसके लिए ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही बेलना पड़ेगा। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही मज़ेदार से हम ये स्नैक्स रेडी कर लेंगे और इसके लिए किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। घर में मौजूद चीज़ों से ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स हम बनाएंगे। तो चलिए अपने किचन में चलते हैं और ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक कप पानी पैन के अंदर डाल दिया है और एक खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाला है और दो दरमियाने साइज़ के आलू लेके हमने इनको क्रश कर लिया था और पानी में भिगो दिया था, क्योंकि आलू जो हैं बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। तो इनका तमाम पानी हमने निकाल दिया है। अब पैन के अंदर हम ये क्रश किए हुए आलू डाल देते हैं। फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम रखा हुआ है, तो हम इन आलूओं को तकरीबन एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं कि थोड़े से ये गल जाएँ। अब हमने जितना पानी इसके अंदर डाला है इतना ही हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। फ्लेम को हमने इस वक्त बंद कर दिया है, तो अब ये जो मैदा हमने डाला है इसको जल्दी जल्दी हम ये मिला लेंगे कि इसकी गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। और इसके अंदर हमने एक खाने का चम्मच नमक भी डाल दिया है और एक खाने का चम्मच ऑयल है ये। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के और अच्छे तरीके से स्पैचुला से इसको मिक्स कर लेना है कि इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा जितना आपको मैदा डालना हो उतना ही आपने आलूओं में पानी डालना है। अच्छा, अब ये हम इसको एक तरफ रख देते हैं। हमारा ये आलू का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने दरमियाने साइज़ की एक प्याज को चॉप कर लिया था और ये तकरीबन आधा कप के करीब हमने ये बंद गोभी को भी चॉप किया है और ये चार पांच हरी मिर्चें थीं इनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो स्टफिंग में आलू भी डाल सकते हैं या फिर चिकन का कीमा या मटन वगैरह का कीमा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक चाय का चम्मच हमने चाट मसाला डाल दिया है, एक खाने का चम्मच नमक डाल दिया है इसके अंदर और एक खाने का चम्मच ही ये कुटी हुई मिर्चें हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम मिला देते हैं। इस तरह से जो स्टफिंग है हमारी ये रेडी हो गई है। बहुत ही चटपटी सी बनाई है हमने ये और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी इंशाल्लाह ये। तो ये देखें हमने इनको तैयार कर लिया है। अब हमने जो आलूओं का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका है। अब ये करते हैं कि हम इनको स्क्वायर शेप में बना लेते हैं। आप चाहें तो किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं। स्टफिंग को हमने इसके बीच में रख दिया है। अब इसको चारों तरफ से हम फोल्ड कर देते हैं और स्क्वायर शेप में इसको लेके आ जाते हैं। आप चाहें तो जिस तरह से शामी कबाब की टिक्कियाँ वगैरह बनती हैं इस तरह से भी आप इनको बना सकते हैं। इस तरह से देखें हाथों से प्रेस करके इनको हम स्क्वायर शेप में लेके आ जाते हैं। इस तरह से हम तमाम स्नैक्स को बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से इंशाल्लाह हमारे ये आलू के स्नैक्स बनेंगे। देखें हमने तमाम स्नैक्स बना लिए हैं। अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर डिप करके हम ये स्नैक्स फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने ये दो खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है और दो खाने के चम्मच ही इसके अंदर ये मैदा डाल देते हैं। एक खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डालना है और एक खाने का चम्मच ही कुटी हुई मिर्चें। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको घोल लेंगे अच्छे तरीके से। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। देखें इसके अंदर हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। तो हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो जो हमने स्नैक्स बना के रखे हैं इनको जो ये बैटर है इसके अंदर डिप करने के बाद और फिर इनको ऑयल में डाल देंगे। हम इनको शेल्फ फ्राई कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ। इस तरह से तमाम स्नैक्स को हम बैटर के अंदर डिप करते हैं और इस और ऑयल के अंदर डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार से इंशाल्लाह हमारे ये टी टाइम स्नैक्स रेडी होंगे। तो अगर आपको आलूओं की स्नैक्स की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय दिया करें। हमें बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत अच्छे तरीके से देखें ये फ्राई हो रहे हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है इनके अंदर। शाम की चाय के साथ अक्सर ये होता है कि कुछ बनाना होता है, तो आप चाहें तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत लो कॉस्ट। इसके लिए आपको किसी ख़ास सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और घर में मौजूद चीज़ों से बासानी आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। और बच्चों के तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाले हैं क्योंकि ये आलूओं से बने हैं। तो इस तरह से देखें ये बहुत अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो चुके हैं। कितना अच्छा सा कलर आया माशाल्लाह से, देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये आलूओं के स्नैक्स रेडी हो गए हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा शाम की चाय के साथ या फिर अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है।
तो इस रेसिपी को ट्राई करें, इसको एंजॉय करें शाम की चाय के साथ, इसको ज़रूर बनाइएगा। और अगर चाहें तो इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपको खाना हो उस वक्त आप इनको चाय के साथ डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर शेल फ्राई कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।